नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति महावर है। मैं नोवा IVF फर्टिलिटी कलकत्ता में फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेश और फ्रोजन ट्रांसफ़र क्या होता है और ये किस केस में डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रांसफ़र करने में सबसे बेटर होता है। जैसे कि IVF इंजेक्शंस चलते हैं, उसमें अंडे बढ़ते हैं, अंडे मैच्योर होकर के उनको निकाला जाता है और फिर उनको स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज बनाते हैं। एम्ब्रियोज या तो संग संग में उसी साइकिल में ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर उसको फ्रीज करके कुछ दिनों के बाद में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि बताया कि फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का मतलब हुआ ओवेरियन स्टिमुलेशन IVF स्टिमुलेशन दे करके एम्ब्रियोज बनाना और उसको संग संग में 5 दिन के बाद में ग्रो करके यूट्रस में रख देने को फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। इसका एडवांटेज है कि ट्रीटमेंट साइकिल में ही हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं और साथ में टाइम टू प्रेगनेंसी जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसका डिसएडवांटेज भी है कि इस केस में ओवरीज जो होती हैं वो साइज़ में बड़ी होती हैं, स्टिमुलेटेड होती है। कभी कभार एंडोमेट्रियम जो होता है वो ओवर मैच्योर या ओवर ग्रोथ हो जाता है, जिसके चलते मिसकैरेज की रेट्स या फिर प्रेगनेंसी टिकने के चांस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। एक सिचुएशन है ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क हो जाता है, जिसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे होते हैं, इसीलिए इसमें फ्रेश ट्रांसफ़र जो है वो नहीं किया जाता है। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जैसा कि इसका नाम है, इसमें अंडे बना के एम्ब्रियोज बना करके फ्रीज किए जाते हैं और कुछ समय के बाद में यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका एडवांटेज है कि यूट्रस और ओवरीज जो होते हैं वो एकदम नॉर्मल होते हैं। इसका डिसएडवांटेज है कि टाइम टू प्रेगनेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है और ट्रीटमेंट साइकिल में टाइम जो होता है वो लगता है। किन्हीं किन्हीं केसेस में जब यूट्रस में पॉलिप होता है या फिर एम्ब्रियोज को जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं या फिर यूट्रस बल्की है, ऐसे केसेस में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो प्रिफर किया जाता है। जब आपका IVF साइकिल चल रहा होता है तब आप डॉक्टर के साथ बैठ करके डिस्कस करके डिसाइड करते हैं कि आपके लिए फ्रेश ट्रांसफ़र या फ्रोजन ट्रांसफ़र जो है वो बेस्ट होगा। बट हाँ, एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, अगर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का रिस्क है तो ऐसे केसेस में फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करके हमेशा ही फ्रोजन ट्रांसफ़र किया जाता है। धन्यवाद।